हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की जो अपडेट है वो फ़्लाइट से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुवैत की फ़्लाइट कैसे किस तरह से स्टार्ट हुई है, कौन कौन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीडियो में उसी के आगे का कुछ पार्ट बताना है, कुछ एक्सप्लेनेशन जो है उसकी डिटेल्स है वो बतानी है, और एक ऐप के बारे में बताना है जो ऐप आप यूज़ करके कुवैत में किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं कुवैत में सिटी के अंदर। तो छोटा सा वीडियो है, जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, जिन लोगों को फ़्लाइट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए वो लोग वीडियो को पूरा देखकर और शेयर कर सकते हैं आगे। आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। दोस्तों, जिन जिन लोगों को कुवैत में ट्रैवल करना है, जो लोग वीज़ा वैलिड लेके बैठे हुए हैं या जिन लोगों का नया वीज़ा है, वो लोग जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लगवा कर और तैयारी कर सकते हैं कुवैत जाने की। फिलहाल तो कुवैत ने 12 कंट्रीज़ को अलाउ किया था, 12 कंट्रीज़ थी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, उन 12 कंट्रीज़ से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है वो 1 अगस्त से फ़्लाइट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, और उसमें वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, वैक्सीनेटेड नॉन कुवैती जो हैं, वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों डोज जो है वैलिड हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की एक डोज़ और बाकी जितनी ये आपका जो कोविड शील्ड है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जिसका कोविड शील्ड एक अलग नेम है इसका, दोनों एक ही हैं। और इसमें आपकी पी फाइज़र है, ये आप दो दो डोज लगवा के ट्रैवल कर सकते हैं 1 अगस्त से। अगर आपको फ़्लाइट बुकिंग करानी है तो आप 1 अगस्त से कुवैत के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं इन वैक्सीन के साथ। तो दोस्तों, वैक्सीनेटेड नॉन कुवैती जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं इन वैक्सीन के साथ जो मैं बता रहा था आपको। ये वैक्सीन अगर आपने लगवा ली तो आप अगस्त 1 से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट्स जो हैं अभी टेम्प्ररी जो है बहुत शॉर्ट है, फ़्लाइट अभी इतनी फ़्लाइट्स नहीं है तो आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है फ़्लाइट। इसमें फ़्लाइट के साथ साथ आपका 7 डेज मैंडेटरी क्वारंटाइन है और PCR टेस्ट है। कुछ उम्मीद ये लग रही है कि अगर आपने PCR टेस्ट कराया और 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने फ़्लाई किया तो हो सकता है वो नेगेटिव PCR टेस्ट के साथ आप 7 डेज क्वारंटाइन ना हो, आपका ना किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको 72 आवर्स के अंदर ट्रैवल करना है नेगेटिव PCR टेस्ट के साथ, और साथ ही आपको वैक्सीन भी लगवानी है, और उसके साथ साथ आपको 7 डे होम क्वारंटाइन भी होना है या होटल क्वारंटाइन अगर आप किसी और पर्पस से जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। आगे क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जो है ये तीनों काम ज़रूर करना है, जिसमें वैक्सीनेशन, आपका PCR टेस्ट और 7 डेज होम क्वारंटाइन कुवैत में होना ज़रूरी है। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन है जो कुवैत मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च की है। वो एप्लीकेशन आपको इंडिया में या रास्ते में काम नहीं आएगी, कुवैत जाके काम आएगी। जब आप कुवैत पहुंच जाएंगे उसके बाद आप इम्यून नाम से एक ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप वहां के मॉल्स, जिम्स, स्पा, रेस्टोरेंट्स, इन सब जगह पे जा सकते हैं। इम्यून ऐप आपकी तब डाउनलोड होती है जब आपकी उसमें पूरी डिटेल्स प्रॉपर फिल होती हैं, जिसमें आपकी जितनी भी प्रिकॉशंस है वो आपने अगर लिए हुए हैं वो आप मेंशन करेंगे तो वो उसमें आ जाएंगे। तो ये ऐप बहुत यूज़फुल है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप थी, एतराज़ ऐप है कतर की, और कुवैत की भी एक एप्लीकेशन थी जो एयरपोर्ट पे शो करनी पड़ती थी, लेकिन ये सिटी में जाके यूज़ करनी है आपको। कुवैत सिटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत यूज़फुल ये ऐप आपके काम आएगी। तो ये ऐप आप देख सकते हैं, इम्यून ऐप है, लोगो इसका स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, छोटी सी बात है, अगर आपको फ़्लाइट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, या कोई जानकारी चाहिए, या आपको फ़्लाइट बुक करानी है, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है कॉन्टैक्ट की, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कुवैत की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट कराना है तो आप वो सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सभी गल्फ कंट्रीज़ का या किसी और कंट्रीज़ का अगर होना हो अटेस्ट, तो उसकी हमारे पास सारी प्रिपरेशन और सर्विसेज हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें मैंने स्पेशली इसके बारे में बताया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट करा सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं या इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। थैंक यू।